महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी है। हर कोई जनता को लुभाने का प्रयास कर रहा है, साथ ही गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बैठकें जारी है। इस बीच बुधवार को गणेश उत्सव के बाद अजीत पवार ने एनसीपी के विधायकों के साथ बैठक की। इस बैठक में सीट बंटवारे और टिकट को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार बैठक में चर्चा हुई कि मौजूदा विधायकों को टिकट दिया जाएगा। साथ ही पार्टी का दावा है कि एनसीपी महायुति गठबंधन में 70 से ज्यादा सीटों की मांग कर सकती है। वहीं इससे पहले पुणे में अजीत पवार ने मीडिया से बात करते हुए अगले सीएम को लेकर बड़ा बयान दिया। उनसे जब पूछा गया कि महायुति की तरफ से अगला सीएम कौन होगा, क्या आप भी सीएम का चेहरा बनना चाहते हैं, तो इस सवाल के जवाब में अजीत पवार ने कहा, सीएम कौन नहीं बनना चाहता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी है। हर कोई जनता को लुभाने का प्रयास कर रहा है, साथ ही गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बैठकें जारी है। इस बीच बुधवार को गणेश उत्सव के बाद अजीत पवार ने एनसीपी के विधायकों के साथ बैठक की। इस बैठक में सीट बंटवारे और टिकट को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार बैठक में चर्चा हुई कि मौजूदा विधायकों को टिकट दिया जाएगा। साथ ही पार्टी का दावा है कि एनसीपी महायुति गठबंधन में 70 से ज्यादा सीटों की मांग कर सकती है। वहीं इससे पहले पुणे में अजीत पवार ने मीडिया से बात करते हुए अगले सीएम को लेकर बड़ा बयान दिया। उनसे जब पूछा गया कि महायुति की तरफ से अगला सीएम कौन होगा, क्या आप भी सीएम का चेहरा बनना चाहते हैं, तो इस सवाल के जवाब में अजीत पवार ने कहा, सीएम कौन नहीं बनना चाहता है।